ये तुम्हें मंजिल पे ले जाएगा अकल डबो देगी और अकल से नबी का मुकाम समझ में आता अगर अकल से नबी का मुकाम समझ में आता अकल से ईमान मिलता तो सारे मोमिन हो जाते ये फिर जापान वाले सारे मोमिन होते क्योंकि अकल से ईमान मिल जाता इन इनसे बड़ी अकल है किसी के पास बोलिए हर रोज नई गाड़ी बना देते हैं अकल वाले हैं मगर ईमान ईमान अकल से नहीं मानने से मिलता है मुस्तफा की अजमत को और अगर अकल से कोई मुकाम मुस्तफ़ा तक जाना चाहे वो मर जाएगा अकल कितनी रहनमाई करेगी चले अकल अकल से कह देते हैं अकल मुझे दर मुस्तफ़ा की पहचान दे दे अकल कहती चल आ मेरे साथ तुझे ले जाऊं दर रसूल पर वो थका के मार देती है कहां तक लेके जाएगी अब अकल तो रहनमई करेगी ना अकाल असला तोलाम के मुकाम पर चलो अकल से जाते हैं चलो चलते हैं एक बंदा आगे बंदा है मोमिन यहीं से मुकाम शुरू होगा ना बंदे से बड़ा दर्जा मोमिन का मोमिन से अगला दर्जा वली का वली से आगे दर्जा कुतुब का अब दाल का औताद का गौश का फिर गौ से आजम का ये सारे दर्जे गिनोगे तभी आगे जाओगे ना बोलिए क्या ये सारे बंदे बराबर एक काम बंदा बंदा मोमिन के बराबर बंदा बंदे के बराबर नहीं नबी की बराबरी कैसे हो जाएगी भाई बंदा बंदे के बराबर अब आगे जाए गौ आजम तक पहुंचे अभी भी आकली सलात स्लाम के मुकाम तक नहीं पहुंचे सवा लाख दर्जे और हैं अकल गिनेगी की मर जाएगी सिबा कराम सवा लाख दर्जे उनमें दर्जा बंदियां कहीं हजरत खुबाब का दर्जा कहीं बिलाल हफी का दर्जा कहीं सुलेमान फारसी का दर्जा कहीं अबू हरैरा का दर्जा फिर आप पर चलते जाए एक मुकाम आएगा अली शेर खुदा का दर्जा और ऊपर गए सैन उस्मान गनी का दर्जा और ऊपर गए सैना उमर फारूक का दर्जा और ऊपर गए सैदना सदी के अकबर रजवानजमाइन का दर्जा अभी भी मुकाम मुस्तफ़ा तक नहीं पहुंचे सवा लाख दर्जे और हैं कहीं ईसा इस्लाम कहीं मूसा मूसलाम कहीं यही आल इस्लाम कहीं जक्रीआल इस्लाम कहीं याकूब अलैहि सलाम कहीं यूसुफ अलैहि सलाम कहीं आगे चलते जाएं इब्राहिम अलैहि सलाम चलते जाएं नूह अलैहि सलाम शईस अलैहि सलाम आदम अलैहि सलाम अभी इन सब से ऊपर मुकाम नजर आएगा मेरे मुस्तफा का अरे अकल से दर्जा बंदियां करोगे मर जाओगे थक जाओगे आओ अगर मुकाम ए मुस्तफा जाना है फिर नीचे ना देख ऊपर देख बादात खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुختصر खुदा के बाद अगर को मुकाम है मुकाम है मोहम्मद है मुस्तफा रब के बाद अल्लाह के बाद अगर को मकाम है तो मुकाम है बोलिए मुस्तफा को खुदा ना कहो बाकी सारा कुछ कहो बस एक खाना छोड़ दो मेरे इमाम ने लिखा ब खुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं और तुम जात खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो यार सुल्लाह तुम जात खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो अल्लाह को मालूम क्या जानिए क्या हो उसको बनाने वाला रब है उसने का बंदो मेरी इबादत में ऊंच नीच कर सकते हो मगर नबी का अदब जैसे रब चाहता वैसे करना पड़ेगा अब आखिरी बात करके चूंकि वक्त अपनी में खींच गया वक्त खत्म हुआ शान नजूल भी पूरा बयान ये हुज़रात है, अगर हर महीने एक दर्श होना इसका तो कम से कम इसको खत्म करने के लिए दो साल चाहिए यानी एक आयत आएद अठारह आयतें हैं तो अगर एक महीने में एक आयत भी करें लेकिन एक महीने में एक आयत होगी नहीं एक आयत पे बसाव का तीन तीन चार चार खिताबात भी करने पड़ेंगे कुरान को समझना है कुरान को अगर हमने समझना है तो बहुत मेहनत के साथ बहुत मेहनत के साथ हजूर शेख उम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कादरी साहब ने ये हमारे खिताबात तफासिर में ये चीज़ें नहीं मिलती ये किसी की निगाह का फ़ैज है आप तफसीर पढ़ेंगे जितनी भी दस किट्ठी कर लें तो एक घंटे का खिताब आप एक आयत पर नहीं कर सकते बड़े बड़े नहीं कर सकते ये किसी की निगाह का फ़ैज है अब जो बात ख़त्म कर रहे हैं रब कायनात ने मैंने कहा अपने हबीब का अदब अपने पास रखा अपनी इबादत अपने मुस्तफ़ा को बोलिए जितनी भी इबादत वो सुनते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे आका का अदब सिखाना ये सुनते सुनते खुदा या यूह दीना आमानु खुद अदब सिखाया अब तोजो रखनी है एक काम किया रब ने एक काम किया रसूल ने रसूल ने नमाज रोजा हज ज़ दी रब ने मुस्तफ़ा का अदब दिया अब मुझे एक बात बताए रब पहले या रसूल ईमान से बताएं रब पहले है बोलिए इसमें कोई शक तो नहीं है अच्छा रब बड़ा या रसूल अल्लाह बड़ा बोलिए अल्लाह पहले एक अमल रसूल ने किया एक रब ने किया दोनों को मिलाएं नतीजा क्या निकलेगा जो रब बड़ा रब के अमल का दर्जा भी बड़ा अल्लाह पहले अल्लाह के अमल का दर्जा भी पहले नबी का दर्जा बाद में रब खालिक नबी मखलूक वो देने वाला ये लेने वाला वो पढ़ाने वाला ये पढ़ने वाला वो भेजने वाला ये आने वाला वो खुदाई वाला ये मुस्तफाई वाला दोनों में फर्क है या नहीं इस फर्क को ख़त्म नहीं करोगे बाकी सारे मिटा दो ये फर्क कायम रहेगा आ, ये मबूद और रब वाला फर्क किसी ने तोड़ दिया वो काफिर जहनब रशीद हो जाएगा और बाकी एक हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे एक नुकते ने महरम से मजरम बना दिया बस एक बात है तुम जाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो ये जुदा और खुदा वाली बात है नुकता ऊपर नीचे हुआ है अल्लाह को मालूम क्या जानिए अब आप नतीजा खुद निकाल लें एक अमल रब ने किया अल्लाह बड़ा अल्लाह की सुन्नत का दर्जा भी बड़ा अल्लाह पहले अल्लाह का अमल भी पहले तो जैसे शान नजूल हमने रद्द किया अल्लाह ने इबादत अपनी रद्द कर दी अब इसके शान नजूल के बाद इस आया के मफहूम को देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदब अपने पास रखा फरमाया मुस्तफ़ा मेरी नमाज तू सिखा इन्हें एग्जाम करने का तरीका तू सिखा रोजे तू सिखा हज तू सिखा अदब मैं सिखाता हूं नतीजा क्या निकलेगा रब बड़ा रब का अमल भी बड़ा रब पहले अल्लाह भी पहले तो क्या निकलेगा अदबे मुस्तफ़ा पहले नमाज बाद में, अदब पहले, बाद में ताजीम मुस्तफा पहले हज मुस्तफा पहले जक़ात बाद में मुस्तफा का अदब पहले अजान बाद में अरे मुस्तफा का अदब पहले है बाकी सारा दिन बावी है अगर ये अकीदा नहीं है तो फिर अपने कैीदे की परख कर ले जांच कर ले कुरान पढ़े किसी बड़े से बैठ के अपने अकीदे को दुरुस्त कर लें अगर ये अकीदा नहीं है तो बात क्योंकि सारी कायनात उसी के लिए बनाई गई है और तहरीक मिनहाजुल कुरान और हजूर शेख उम की सारी जिंदगी इसी अकीदे के प्रचार पर लगी है वो मोहब्बत वो ताल्लुक़ उम्मत का अकाल इसलात असलम की अम्मत का अकाल असलात इस्लाम की जात से टूट चुका था टूट रहा है उसको बहाल करने के लिए अलहदुल्ल पूरी दुनिया में हजूर शाखुसम के शगिदों के हज़ारों की तादाद में एक खेप काम कर रही है आपने मुझे सुना अभी जापान में हाज़िर हुआ अभी वीजा लगा अल्लाह करे अब वक्त गुजरे तो ये हजूर शाखुल का फैजान है कि आपने जैसे इतने बना दिए हैं कि वो यहाँ नहीं पहुँचेंगे हर बंदे ने जाना है चले जाना है इसी मस्जिद में उनका मिराज पर खिताब हुआ जापान में मैंने सुना है याशु मस्जिद में किसी ज़माने में इसी कुर्सी पर बैठ कर बहुत बड़ा रश है यहाँ तो एक ज़माना था वो आए अब उनके शागिर्द हैं दोस्तान मोहतरम इस धरती पर आए हैं कुछ ऐसा करके जाएँ कि आपके जाने के बाद आपकी नस्लें आपको याद करें मेरी दुआ है बारगाह कुदूस में करब कायन हमारी याद की हाजरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत फ़रमाए नाबला नबी